प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के समारोह में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने काले धन को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि चैन से सोने के लिए लोग 30 सितंबर से पहले अघोषित संपत्तियों को घोषित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साउथ ब्लॉक से रिलायंस फाउंडेशन युवा खेल आयोजन में शामिल हो रहे छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। पीएम ने युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल जीवन के लिए जरूरी है। पीएम ने कहा कि भारत जैसे एक बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए खेल राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बेंगलुरु में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के एक कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत को कर चोरी करने वाले समाज की बजाय कर देने वाला समाज बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज दो दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। अपने इस दो दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री श्रीनगर में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत करेंगे। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य में प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर किए गए बयानों पर पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उन्होंने कभी भी कश्मीर की भलाई नहीं चाही, बल्कि पाक ने केवल कश्मीर को आतंकवादी दिए हैं। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 को ढूंढने के लिए जारी अभियान की निगरानी खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कर रहे हैं। समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री आज सुबह दिल्ली से चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से खोज अभियान की जानकारी ली। भारतीय वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि वायुसेना के लापता विमान की तलाशी का काम जारी है। मौसम और कम दृश्यता के कारण खोज अभियान को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता निवासी जुडिथ डिसूजा काबुल से रिहा कराए जाने के बाद आज स्वदेश पहुंची। गौरतलब है कि आगा खान प्रतिष्ठान में वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्यरत 40 वर्षीय जुडिथ का संदिग्ध आतंकवादियों ने काबुल स्थित उनके कार्यालय के बाहर से 9 जून को अपहरण कर लिया था। संसद के मॉनसून सत्र में GST बिल के पास कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियों से इस मामले में बात करके सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को नई दिल्ली में राज्यों के साथ स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। गुजरात, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों ने इस मौके पर अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। आज चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू के साथ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी मौजूद थी। इस मौके पर नायडू ने कहा कि भारत वैश्विक पटल पर एक उभरता हुआ देश है और तमिलनाडु भारत के अंदर एक बढ़ता हुआ राज्य है, जहां मेट्रो परियोजना के शुभारंभ से सभी को लाभ मिलेगा। केरल से IS में शामिल होने के लिए भागे हुए लोगों के मामले में एक और लड़के को गिरफ्तार किया गया है। रिजवान नाम के इस लड़के को महाराष्ट्र ATS और केरल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। ठाणे से गिरफ्तार ISIS के इस संदिग्ध को अदालत ने 25 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। देश भर में आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। 23 जुलाई वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण की भाषाओं की संख्या के मामले में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देह मचांग चौराहे पर आज दो बम धमाके हुए। इस आतंकी वारदात में करीब 61 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घटना वाली जगह पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना की इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली है। 2008 बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और अब पेशेवर मुक्केबाज के तौर पर विश्व पटल पर अपने नाम की चमक बिखेरने वाले विजेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में बॉक्सिंग फेडरेशन ना होने के चलते मुक्केबाजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रियो ओलंपिक में देश की ओर से केवल 3 मुक्केबाजों का होना इस बात को साबित करता है कि किस तरह से फेडरेशन ना होने का खामियाजा मुक्केबाजी के खेल को भुगतना पड़ रहा है। अगले महीने ब्राजील में होने वाले ओलंपिक से पहले देश में इन खेलों को लेकर उत्साह पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को इंडिया गेट पर रन फॉर रियो आयोजन को हरी झंडी दिखाएंगे। खेल मंत्री विजय गोयल ने इस बात की जानकारी दी। इस दौड़ का मकसद ओलंपिक खेलों के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना है।